मामला है, क्या हो जाती है? मतलब क्या जवाब दें इसका, जब से पुलिस पीछे लगी है पीछा छोड़ने पे ही नहीं आ रही है। मेरी कोई कसूर मुझे इस वक्त फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। आज हम लोग लखीमपुर जाने की कोशिश किए थे, रास्ते से बहरहाल वापस हो गए, चुपचाप वापस चले आए, कोई अराजकता भी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद पूरे पुलिस दल बल के साथ घर ऊपर तक आ जाना अपार्टमेंट में और दहशत का माहौल फैलाना, ये इस पार्टी का सरकार का रवैया बन चुका है जो गैर संवैधानिक है पूरी तरीके से। और ये हम लोगों को डराने की, लेकिन शायद भूल गए हैं वो कि हमें डराने की कोशिश पता नहीं बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन हम डर नहीं रहे हैं और यही इनकी सबसे बड़ी हार है। और जहां तक रही बात पुलिस की, आप पुलिस के लाख पहरे बैठा दीजिए, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, मैं आज भी ये बात बोलती हूँ कि तुम लाख पहरे बैठा लो शहर के दरवाजे पर, इंकलाब आने को होता है तो आ जाता है, तो आप पहरे बैठा लीजिए और चाहे कितनी भी बैरिकेटिंग लगा दीजिए, ये सुनामी है इंसाफ की, जो पब्लिक मांग रही है, जो जनता की मांग है, वो रुकने वाली नहीं। जैसे खबर आ रही है और जो समाजवादी एक दो कार्यकर्ता उनकी आ रही है कि वो उठाए गए, पुलिस अरेस्ट किया है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या इनकी मंशा है, जिस तरह से ये समाजवादी कार्यकर्ता है या और भी कार्यकर्ता? देखिए, इनके जो पाप है उसका घड़ा भर चुका है, ये वो बौखलाहट है जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से लेके और कद्दावर नेता मंत्री मुख्यमंत्री नजर आ रही है, ये वही बौखलाहट है, ये कभी इसको पकड़ते हैं कभी उसको पकड़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज को दबा ले जाएंगे, लेकिन हम दबने वालों में से नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक दो तीन चार कितनों का मुंह दबाएंगे, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को आप कहाँ तक कुचल लेंगे? तो अब ये हिसाब किताब का वक्त आ रहा है, कुछ महीने और इनके कितनों का मुंह कुचल सकते हो, दबा सकते हो, कुछ भी कर लें, लेकिन इंसाफ होकर के रहेगा और वो जनता लेगी।